हाय गाइस, मैं हूँ शुभम और आज हमारे पास है लेना वो जेड टू प्लस। तो इस फ़ोन में जो क्या क्या खूबियाँ हैं और क्या क्या फीचर्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे आप डिसीजन ले सकते हो कि फ़ोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले बात की जाए इसकी डिज़ाइन एंड क्वालिटी की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी अच्छा वाइट कलर में डिज़ाइन दिया गया है और मुझे इसकी डिज़ाइन और लुक काफ़ी अच्छा पसंद आया है। हालांकि इसके पीछे की साइड में भी ग्लास दिया गया है जो कि एक माइनस पॉइंट हो सकता है इसके लिए, क्योंकि ग्लास काफ़ी ज़्यादा स्लिपरी है, पर ओवरऑल इस ग्लास से भी इस फ़ोन का लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बात करो अगर सेकेंड रीज़न की, तो आप इसका डिस्प्ले देख सकते हो 5 इंच का है और व्यूइंग एंगल्स काफ़ी अच्छे हैं और ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है। इसमें ऑटो ब्राइटनेस का भी सपोर्ट है, एडिप्टिव ब्राइटनेस का फीचर भी दिया गया है। कलर प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें काफ़ी अच्छे कलर्स दिख रहे हैं। बात कर रहे हैं इसकी कॉल क्वालिटी की और स्पीकर की वॉल्यूम की, तो कॉल क्वालिटी में मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है। इसकी कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ये जो ईयरपीस दिया गया है यहाँ पे, इसमें आवाज़ काफ़ी क्लियर आती है, लाइक मोटोरोला फ़ोन की तरह काफ़ी अच्छा साउंड आता है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आती है आपको और सामने वालों को भी काफ़ी अच्छा सुनाई देता है। और बात करें अगले रीजन की, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, वो आप देख सकते हो कितना फास्ट है, कितना फास्ट है, आईफोन 7 से भी ज़्यादा फास्ट है। मुझे इसका फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी ज़्यादा पसंद आया क्योंकि मैं बेसिकली नेक्सस 6 भी यूज़ करता हूँ, उसका भी फिंगरप्रिंट इतना फास्ट नहीं है जितना इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट साफ फास्ट है। और नेक्स्ट रीज़न है इस फ़ोन को ख़रीदने का USB टाइप सी चार्जर। यहाँ पे आपको USB टाइप सी चार्जर देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको झंझट नहीं रहती कि फ़ोन को चार्जर किस साइड से लगाएं, और USB टाइप सी चार्जर आपको फास्ट चार्जिंग की फैसिलिटीज़ भी देता है इनबिल्ट फ़ोन में। और काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट की थी कि इसका स्पीकर काफ़ी वॉल्यूम कम है, पर मुझे बेसिकली अगर मैं एक बात बताऊँ तो मुझे इस फ़ोन का स्पीकर काफ़ी पसंद आया है। मैं यहाँ पे आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, आपको साउंड दिखाता हूँ कि इस फ़ोन का साउंड कैसा है कैसा नहीं है, आप खुद जज कर सकते हो कि इस फ़ोन का साउंड कैसा आ रहा है। हमने अमेजन से करीबन 11,000 रुपये कीमत में ख़रीदा था और ये फ़ोन लॉन्च हुआ था तब करीबन, देख सकते हो आप साउंड वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई इशू नहीं लगा इसके साउंड में। और इसमें एक और फीचर दिया गया है जो कि काफ़ी यूज़फुल है, फिंगरप्रिंट गेस्चर का फीचर है, वो आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे स्वैप करता हूँ तो मैं रिसेंट एप्लीकेशन में चला जाता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है मेरे लिए। मैं अगर मल्टीटास्किंग करता हूँ तो फ़ोन मल्टीटास्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा। इस फ़ोन में आप सबको बताया कि स्नैपड्रैगन 820 चिपसेट दिया गया है और ये पहला फ़ोन है जो कि इतनी कम कीमत में स्नैपड्रैगन 820 के साथ में आता है। मल्टीटास्किंग की बात की जाए तो यहाँ पे मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला है, काफ़ी स्मूथली रन कर रहा है। हालांकि इसका UI है जो काफ़ी घटिया है, UI काफ़ी अच्छा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, पर ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और बात करें कैमरे की, तो कैमरा क्वालिटी एवरेज है, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। लो लाइट में बिल्कुल घटिया कैमरा है और इन सन लाइट में आप देख सकते हो कि फ़ोन का कैमरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। बात की जाए फ्रंट कैमरे की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे तरीके से फोटो इसमें कैप्चर हो रही है, काफ़ी क्लियरिटी आ रही है आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल कैमरे की परफॉर्मेंस एवरेज है इन 10,000 या 13,000 रुपये की कीमत में, पर इन लो लाइट कंडीशन कैमरा काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और अगर बात करें अगले रीजन की इस फ़ोन को ख़रीदने की, तो यहाँ पे बैटरी जो है इसकी काफ़ी अच्छी बैटरी है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने आज है 3 जुलाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, और 1:30 हो चुके हैं और मैंने फ़ोन चार्ज किया था 1 जुलाई को 9:59 पे। फ़ोन करीबन चार्ज होने में 2 घंटे का समय लेता है और 3500 mAh की इसमें बैटरी दी गई है, और अब तक मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है। 1.5 दिन हो चुका है पर फ़ोन की बैटरी अभी तक 3% है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन की बैटरी 3% है। इसका मतलब मुझे 1.5 दिन का अगर फ़ोन में कोई बैटरी बैकअप मिल रहा है तो काफ़ी अच्छा है। और स्क्रीन ऑन टाइम मैं आपको बता दूँ मुझे स्क्रीन ऑन टाइम कितना मिला है, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं बैटरी में जाके दिखाता हूँ आपको स्क्रीन ऑन टाइम मुझे कितना मिला है। स्क्रीन ऑन टाइम की बात करें तो यहाँ पे मुझे मिलता है 5 घंटे और 16 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम। जेन्युइनली अगर मैं बताऊँ तो मैं नेक्सस 6 भी यूज़ करता हूँ, उसमें 3500 mAh की बैटरी दी गई है पर उसका स्क्रीन ऑन टाइम केवल 3 घंटे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3-3.5 घंटे, पर इस फोन में मुझे 5.5 घंटों का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता है। और कॉल की बात की जाए तो यहाँ पे मैंने 3500 mAh की बैटरी से करीबन 2 घंटे और 39 मिनट का कॉलिंग किया है। मैंने फ़ोन को अब तक केवल एक ही बार चार्ज किया है, यहाँ पे आप हिस्ट्री में देख सकते हो, डिस्चार्जिंग पे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने फ़ोन को केवल यहाँ पे केवल 1 जुलाई को चार्ज किया था, आज 3 जुलाई हो चुकी है पर फ़ोन को मैंने अभी तक चार्ज नहीं किया है। फ़ोन से मैंने करीबन जब तक वाईफाई भी यूज़ किया था, हॉटस्पॉट भी यूज़ किया था और मोबाइल डेटा तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, और साथ में मैंने यूट्यूब भी वॉच की थी इस फ़ोन में काफ़ी ज़्यादा, और कुछ वीडियोज़ प्ले किए थे, कुछ जेंडर किया था, कुछ जेंडर से मूवीज़ ट्रांसफ़र की थी। हालांकि इस फ़ोन में मैं अभी तक ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर रहा हूँ और गेमिंग का रिव्यू मैंने अभी तक किया नहीं है। और गेमिंग की बात की जाए तो मैंने इसमें एस्पाल टेट खेला था, मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, ना मुझे कोई हीटिंग इशू देखने को मिला। हालांकि थोड़ा सा गर्म होता है मोबाइल, पर हर मोबाइल एक
हीटिंग इशू तो हर मोबाइल में रहता है, पर इतना ज़्यादा भी हीटिंग इशू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ग्लास दिया गया है तो थोड़ा हल्का सा ज़्यादा हीट होता है गेम खेलते टाइम, पर बेसिकली नॉर्मल यूजर्स पे मुझे इसमें कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिला है। तो अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हो इस कीमत में तो आप ख़रीद सकते हो, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। 10,000 रुपये या 11,000 रुपये की कीमत में अगर आप ये फ़ोन ख़रीदते हो तो बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी है। सो गाइज, ये थे रीजन्स इस फ़ोन को ख़रीदने के, मुझे जो रीजन्स मिले मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप चाहते हो इस फ़ोन को ख़रीदना तो आप ख़रीद सकते हो। इस फ़ोन में मुझे बेसिकली कोई भी कमी ऐसी लगी नहीं है कि इस फ़ोन को आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। बैटरी बैकअप अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कॉल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, साउंड भी काफ़ी अच्छा है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।